कहते हैं इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है। झारखंड विधानसभा में ही कुछ ऐसा दिखा। एक समय था जब महेंद्र सिंह विधायक ने इसी आरोप के साथ इस्तीफा देकर निकल गए थे कि मेरी जो बात मैं जो कह रहा हूँ सदन में वो 100% सही है। फिर उनका मान मनोवल हुआ। कुछ इसी प्रकार से आज सरयू राय ने भी कह दिया कि अगर मेरी बात गलत होगी, सरकार का उत्तर गलत है और मैं सच बात बोल रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद हरमू नदी भी गए। क्या था आप हरमू नदी को लेके इतना गंभीर? हरमू में देखिए, मैंने सवाल उठाया था शहरों का प्रदूषण हो रहा है, जवाब दिया कि हमारा कहना ये गलत है, यानी अस्वीकृत हम करते हैं इस बात को कि रांची में प्रदूषण हो रहा है, जमशेदपुर में प्रदूषण हो रहा है, हरमू में पूरा का पूरा गिर रहा है। उसे ही आप चले जाइए, कांटा टोली से जाने वाले नाले हैं, सारे नाले जा रहे हैं। ये सब कहते हैं कि साहब ये सब इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने यही कहा था कि आप कहिए अभी चलें। मंत्री जो जवाब दे रहे थे आपके एमपी सोरेन, और मैं भी चलता हूँ, देख लें हमारी बात गलत साबित होगी तो मैं आके इस्तीफा दे दूँगा हाउस से। वो मंत्री जी नहीं गए, मैं अकेले गया था और देखा कि हमारे जाने के पहले वहाँ जिटको के कोई ईगल है कंपनी जिसका काम चल रहा है, ये सब के सब पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं पहले से। आपके पहुँचने से पहले वो लोग पहुँच गए? पहले पहुँच गए थे। और गांव के लोग आए सब करें, कोई मशीन नहीं चलती है साहब। अच्छा, मतलब वो सफाई तुरंत आप पहुँचने वाले थे इसलिए वो लोग देखा देखी पहुँच गए। गाँव वाले आसपास बोले ऐसा कभी नहीं होता पहले? आसपास के लोग थे, कहीं कहीं की मशीन चलती ही नहीं है साहब, या आए हैं तो चला रहे हैं इसको। ये तो स्थिति है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे गंदगी साफ होकर नदी में जाएगी, वही है। कभी कभी आप शहर में घूम लीजिए, इनके 6 के 6 ट्रीटमेंट प्लांट हमेशा ही बंद रहते हैं। तो सरकार ये एक चीज़ जानना चाहते हैं, अधिकारी जब जवाब देते हैं तो क्या मंत्री समान तौर पे अपने भी पढ़ के संतुष्ट नहीं होना चाहते, ऐसी दे देते? ये नहीं कहते हैं, जो अधिकारी कहते हैं उस बात को वैसे का वैसे रख देते हैं। ये विधानसभा की अवमानना है, मगर संरक्षण तो स्पीकर ही देंगे ना, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगर वो संरक्षण देने से इनकार कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सदन में? विपक्ष भी कह रहा है कि जो स्पीकर हैं फिलहाल सिर्फ आसन से संरक्षण सत्ता को मिल रहा है, विपक्ष को नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कभी कदाल? संरक्षण सत्ता को क्या मिलेगा, सत्ता तो अपने दबंग है, दबंगी करती है सत्ता। संरक्षण तो विपक्ष को चाहिए, जो सत्ता में नहीं उसको चाहिए संरक्षण देना। कम से कम जो बात कही जाए उस बात पर संज्ञान लेके संबंधित मंत्री वो कहें तो कि भैया इस पर बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, नहीं हो पाता। अब जब 4 विधायकों का निलंबन हुआ, गहमा गहमी बढ़ रही है, अनूप जी का फोटो आया, सरयू जी अब भी कुछ फोरकास्ट करेंगे? मैंने कहा है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, कुछ लोग की चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ चले जाए, कुछ को जेएमएम कर रहा है हमारी तरफ आ जाइए, 12 लोग आ जाइए, 30 सीटें हमारी हैं, 42 हो जाएगा, मेजॉरिटी से सरकार चलाएंगे। तो ये दुविधा में है कांग्रेस के लोग, और यही दुविधा का फल है कि जो लोग सक्रिय रहे हैं आज चुप हैं, मगर मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिन तक चुप रहेंगे। जरूर ऐसी स्थिति बनेगी कि कांग्रेस के लोग या तो इधर जाएं या उधर जाएं, बीच में नहीं रख सकते हैं, 2-4 लोग रहेंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in